हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल हैप्पी लाइफ। और आज आपके लिए मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ। थोड़ा अलग सा है बट आप देखिए आपको अच्छा लगे। तो आज का वीडियो हम आपको शेयर करते हैं मथुरा वृंदावन ट्रैवल प्लान। तो मथुरा वृंदावन आने के लिए आप किसी भी जगह से ट्रेन पकड़ सकते हैं। हम लोग दिल्ली से गए थे तो इसलिए बाइक कार हमने ले लिया। बाइक कार आपको जाना भी, तो हम दिल्ली से निकल गए हैं मथुरा वृंदावन के लिए। तो आगे रास्ता बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे जाने के लिए ट्रैवल आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको नज़ारा बहुत अच्छा दिखेगा। और इसी तरह दिल्ली से चलते हुए हम लोग कोकिल अवन पहुँच। ये मंदिर 24 आवर्स खुला रहती है बट सुबह ही जाना इस मंदिर में बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे शनि महाराज की पूजा आप कर सकते हैं और पूजा करने के बाद फिर आगे आप निकल सकते हैं दूसरे दर्शन के लिए। इसी तरह हम लोग पहुंच गए नंद बाबा की मंदिर, जिसको नंद भवन भी कहा जाता है। और इसके आगे जाते वक्त आपको नंदगांव होके गुजरना पड़ेगा। गोकुल में आते हुए सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो है इसी मंदिर को दर्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने बहुत टाइम अपने चाइल्डहुड के बिताए थे। तो ये बहुत ही सुंदर नेक्स्ट हम लोग पहुंच गए रंगोली महल। ये सुबह 8 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक एवं शाम के 4:30 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक ओपन रहती है। ये भी बहुत अच्छी तरह से बनाया हुआ मंदिर है, बहुत ही अच्छा। इसके अंदर आप जाने के बाद आपको बाहर आने का मन नहीं करेगा। आप इसको देख सकते हैं कितने सुंदर से मंदिर बनाया हुआ है। लोग कहते हैं कि शाम को इस मंदिर में और भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर दिखती है। यहाँ पे कलर्स होते हैं, लाइटिंग्स होते हैं, बहुत अच्छे यहाँ पे शो होते हैं। बट हम लोग के पास टाइम नहीं था तो इसलिए हम लोग दोपहर के टाइम में यहाँ पे विज़िट किए और यहाँ से आगे बढ़ चले। और इसी तरह आगे हम लोग राधा कुंड पहुँच चुके हैं। अब देख सकते हैं राधा कुंड, यहाँ पे हम लोग आपके लिए कुछ पिक्चर्स दिया है।
नेक्स्ट हम लोग श्री कृष्ण जन्मभूमि में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है, तो आप मोबाइल कैमरा कुछ भी अंदर लेके जा नहीं सकते, इसलिए आपके लिए अंदर के कोई भी पिक्चर्स या वीडियो हम उठा नहीं पाए। बट बेशक बहुत ही खूबसूरत है, आप कभी आएंगे तो ज़रूर देखिएगा, जन्मभूमि जरूर जाइएगा। नेक्स्ट हम लोग पहुँच गए हैं बांके बिहारी मंदिर, जो बहुत ही लोकप्रिय मंदिर है। आप लोग यहाँ पे जरूर आइएगा, बट ये मंदिर पे मोबाइल कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं होता है। और इसी तरह हम पहुंच गए वृंदावन के सबसे सुंदर मंदिर, जो प्रेम मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर के नज़ारे शाम को लाइटिंग्स और इस मंदिर के चारों ओर आप देख सकते हैं राधा और कृष्ण जी की जो लीला है, जो नाच गाना है। राधा कृष्ण की बहुत छोटे छोटे स्टोरी इस मंदिर के चारों ओर अच्छे तरह से दर्शाया गया है, और स्टैचू बना के कलर्स देखे। और इस मंदिर के कलर्स हर टाइम में चेंज होता रहता है, हर एक सेकेंड में, हर एक मिनट में इस मंदिर में लाइट जो है कलर्स होता रहता है। अब इस मंदिर में जगह जाओगे तो कम से कम 2 से 3 घंटा हाथ में रखना चाहिए, और मेनली शाम के टाइम में मंदिर बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो प्रेम मंदिर के कुछ लिए हुए वीडियोस एंड फोटोज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। आप इस फोटोज़ वीडियोज़ को देखिए, आपको आनंद उठाइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको देखने के बाद। कभी भी आपको टाइम मिले आप मथुरा वृंदावन जरूर जाइए, और प्रेम मंदिर भी जरूर जाइए, और वहाँ पे जाके देखिए कि किस तरह से इस मंदिर को खूबसूरत बनाया गया है। मंदिर में एक लाइटिंग शो भी होता है, जो आप जरूर देखिएगा शाम को 7 से 7:30 के बीच में। ये लाइटिंग शो यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे देखने के लिए, और साथ में कलरफुल प्रेम मंदिर को देखने का भी बहुत अच्छा नज़ारा है।
अगर आपको टूर रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो या कोई भी चीज़ों के आप डिस्कस करना चाहते हो तो फेसबुक पेज लाइक कीजिए हमारे, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसके थ्रू आप बहुत कुछ जान सकते हैं। और ये मथुरा वृंदावन की जो पूरा ट्रिप है ये हम लोगों ने एक ही दिन में कवर किया, सुबह से लेके रात के 12 बजे के अंदर हम लोग दिल्ली से मथुरा वृंदावन कवर करके फिर अपने रूम पे घर पे आ गए। तो आप लोग भी चाहते हो तो इसी तरह आपने प्लान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं और होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, more video will come for you. Thank you.